खबर उत्तर प्रदेश के एटा जनपद से, जहां मंगलवार शाम करीब 5 बजे भयंकर आंधी आई, जिससे किसानों की हजारों बीघा खड़ी फसल को चपेट में ले लिया, जिसे किसानों में निराशा दिख रही। कई गांव के विद्युत पोल गिर जाने के कारण बिजली गुल हो गई। एटा जनपद के विकास खंड शीतलपुर गांव कुठला लायकपुर में करीब 200 बीघा गेहूं की खड़ी फसल मंगलवार की शाम आई तेज आंधी के प्रभाव से बेकार हो गए। किसानों का कहना है कि हम बर्बाद हो गए, हमें प्रशासन की ओर से सरकार की तरफ से कुछ राहत मिलनी चाहिए। खड़ी फसल बर्बाद होने के कारण किसानों के घरों में निराशाजनक चिंता बनी हुई है। जनपद में कई ऐसे गांव रहे जहां मंगलवार की शाम आई तेज आंधी के कारण विद्युत पोल उखड़ गए, जिनसे गांव में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया गया है, जिन गांव की बिजली आपूर्ति जा चुकी है उनकी समस्या 24 घंटे में निस्तारण की जाएगी, बिजली की आपूर्ति भी संचालित की जाएगी। एटा जनपद से सत्यवान सिंह चौहान की रिपोर्ट।